हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू निधि साइंस अकेडमी टूडे विल स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक ऑफ द चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्लियर इन दिस वी विल स्टडी फैजन्स रूल्स ओके फैजेंस रूल्स क्या बताता है फैजेंस रूल्स हमें बताता है कोवलेंट करेक्टर इन आयोनिक बॉन्ड आयोनिक बॉन्ड में जो कोवलेंट करेक्टर है उसके बारे में बताता है क्या होता है जो पॉजिटिव आयन्स होते हैं वो डिस्टॉर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड किसके नेगेटिव आयन के जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है उस इलेक्ट्रॉन सा क्लाउड है उसको डिस्टॉर्ट कर देते हैं तो हम कहेंगे कि वो पोलराइज हो गए ओके okay. अब पोलराइजेबिलिटी क्या है आयोनिक जो होता है वो हंड्रेड परसेंट आयोनिक नहीं बनता कुछ कोवेलेंट करेक्टर बन जाता है जैसे पॉवर जो कैटाइन की है जो डिस्टॉर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को ओके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है नेगेटिव आयन्स का उसको डिस्टॉर्ड करते हैं उसको हम बोलते हैं पोलराइजिंग पावर उसको क्या बोलते हैं पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेबिलिटी क्या होता है एबिलिटी ऑफ और वो जो एनायन है जो पॉजिटिव आयन कितना डिस्टॉर्ड कर देता है उस क्लाउड को उसको बोलते हैं पोलराइजिलिटी पावर ऑफ कैटायन टू डिस्टॉर्ड द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ओके तो कोवेलेंट जो इसमें है पोलिटी मेजर किसकी बताई है पोलराइजेबिलिटी इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टर्ड हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड से और एनाइन की कितनी एबिलिटी है डिस्टॉर्ट करने की तो आयोनिक बॉन्ड कैसे बनता है कि कितनी पोलराइजेशन जो होती है आयोनिक बॉन्ड जो फॉर्म होता है तो बहुत लो होती है ओके okay, और जो कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है जो पोलराइजेशन बहुत हाई होता है क्लियर तो जब दो अपोजिट आयन एक साथ आते हैं पॉजिटिव आयन डिस्टॉर्ट करता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड को नेगेटिव आयन को अपनी तरफ तो एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बन जाती है दोनों एटम के न्यूक्लियस के बीच में तब क्या बनता है कोवेलेंट बॉन्ड ओके तो पावर ऑफ कॉजिंग डिस्टोर्शन इन इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसको बोलेंगे पोलराइजिंग पावर किसकी एनायन की जो कि नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन क्लाउड में होता है तो जब एनायन में जो डिस्टोरशन होगा उसको हम पोलराइजिटी बोलेंगे क्लियर अब जैसे लीथियम और पोटेशियम आयन तो लीथियम का क्या है स्मॉल है साइज फॉर एग्जाम्पल लीथियम इज स्मॉलर दे पोटेशियम तो लीथियम का साइज स्मॉल होने के कारण लीथियम क्या है ये स्मॉल है ओके okay. लिथियम का साइज जो है वो स्मॉल है पोटेशियम से तो लीथियम क्लोराइड में क्या ज़्यादा कोवेलेंट करेक्टर होगा ओके okay. ये को जो हमने बताया ये फैजंस रूल्स हैं ये सब क्या है फैजेंस रूल्स हैं कि द स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन तो क्या होगा लार्जर साइज होगा एनायंस का और आयोनिक बॉन्ड का कोवल एंड करेक्टर भी ज़्यादा होगा क्लियर तो ये हमारा जो है इसमें ये हम पढ़ रहे हैं इसमें हम पढ़ रहे हैं फैजन्स रूल ओके तो ये देखिए इसको हम क्लियर करते हैं रूल है, ओके जितना कैटाइन छोटा होगा उतना ही एनाइन जो क्लाउड है जो है वो साइज होता है एनाइन का ज़्यादा होगा और कोवेलेंट कलेक्टर जो होता है आयोनिक बॉन्ड का वो भी ग्रेटर होगा तो मोर कोवलेंट कौन सा है लिथियम आयोडाइड लिथियम फ्लोराइड की जगह ओके तो इस तरह से लिथियम क्या है ज़्यादा कोवेलेंट है क्लियर ऐसे आयोनिक रेडियस जो है वो आयोडीन का ज़्यादा है क्लोराइड का ज़्यादा है किसकी कंपेयर में क्लोराइड और फ्लोराइड की कंपेयर तो ग्रेटर द चार्ज जितना चार्ज होगा कैटायन पे जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ही कोवेलेंट करेक्टर होगा आयोनिक बॉन्ड का ये हमारा दूसरा फैजन सरूल हो गया अभी तो हमने पहले क्या पढ़ा फैजेंस रूल पढ़ेंगे हम पहले और उसके बाद उसको नेक्स्ट उसमें फैजेंस थ्योरी पढ़ेंगे क्लियर तो इस तरह से इसको हम एक एक टॉपिक जो है उसको जैसे जैसे हम पढ़ते जाते हैं तो हमें एक एक चीज़ क्लियर होती जाती है तो पहले फैजेंस रूल पढ़ेंगे फर्स्टली हम इस, इसको कर रहे हैं क्लियर तो इसके आगे में हम पोलराइजेबिलिटी पढ़ी आयोनिक बॉन्ड हमने पढ़ा कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा ओके पोलराइजिंग पावर पढ़ लिया ओके okay? तो फॉर्मेशन किसका होगा कैटायन का जब डिस्टॉर्ट करता है तो पोलराइजिंग पावर कहते हैं और जो डिस्टॉर्शन हो उसे पोलराइजेबिलिटी बोलते हैं और फेजेंस रूल में हमने देखा जो उसका स्मॉल साइज होता है उतना ही स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन उतना ही लार्जर साइज होगा एनायन का और कैटायन जो है उसका कोवेलेंट करेक्टर बढ़ जाएगा फिर हमने आयोनिक रेडियस देखे आयोनिक रेडियस आय आयोडाइड का ज़्यादा है क्लोराइड से और क्लोराइड का ज़्यादा है फ्लोराइड से तो ग्रेटर चार्ज जितना होगा कैटायन पे उतना ही ग्रेटर कोवेलेंट करेक्टर होगा आयोनिक बॉन्ड का और जब दो कैटायन सिमिलर साइज और शेप के होते हैं ओके okay, तो एक ही कॉन्फ़िगरेशन uh, उसको नोबल गैस बोल दिया ओके okay, सिमिलर साइज एंड शेप तो क्या होगा नोबल गैस कन्फ, कन्फिगरेशन जिसकी वो ज़्यादा पोलराइज होंगे जिनकी की नोबल गैस कन्फिगरेशन होगी ओके okay, जैसे इसका कितना एटॉमिक नंबर कॉपर का ट्वेंटी नाइन सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है एलेवन है सोडियम क्लियर तो ये एक तरह से टू एट एटीन ये सीडो नोबल गैस है मतलब पूरी तरह से इनर्ट नहीं है इंटैक्ट नहीं है और ये नोबल गैस कन्फिग्रेशन है तो सी यू सी एल क्या है तो इसी कारण के हम क्या कहेंगे एटीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज़्यादा पोलराइजिंग है सोडियम आयन से तो इस इसका मतलब क्या है कि कॉपर क्लोराइड है वो कॉपर क्लोराइड है वो ज़्यादा पोलराइजिंग है एन सी एल से ओके okay. क्यों क्योंकि सीडो नोबल गैस है दैट इज एटीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन ज़्यादा है उसकी ओके okay. दैट इज़ एट इन बैलेंस इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन तो हमने इसमें पूरे फैजन स् रूल में क्या पढ़ा स्मॉल कैटायन जो होता है या लार्ज एनायन है तो क्या होगा और हाई चार्ज है तो दोनों आयन फेवर क्या करेंगे कोवैलेंसी को फेवर करेंगे कोवैलेंसी की तरफ ये जाएगा जैसे लीथियम मोर कोवैलेंट है लीथियम फ्लोराइड्स है ओके okay? ये भी हमने पढ़ा था और आयोनिक रेडियस जो आयोडीन का है वो ग्रेटर है तो ये फैजेंस रूल से हमें पता लगता है कोवलेंट करेक्टर इन क्या पता लगा हमें कोवेलेंट करेक्टर इन आयोनिक बॉन्ड क्लियर मैंने फैजेंस रूल बताया आपको फिर उसमें क्या करेक्टर होता है और उसके क्या रूल्स हैं तो आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा इसको अच्छे से रीड कीजिए और इसके जो पहले के टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिकुलर स्ट्रक्चर के वो आप मेरे पिछले वीडियोस में सर्च कर सकते हैं आई होप यू लाइक व्हाट आई हैव टॉट टुडे। ओके प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ओके थैंक यू